हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात बड़ौदा उपचुनाव की, जिसके लिए प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में बड़ौदा पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने आज की पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने लोगों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई दी, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस जातपात का जहर फैला रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी कांग्रेस ने अंग्रेजों की नीतियों को अपनाया। सीएम ने कहा कि चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत के बाद ही बड़ौदा का असली विकास होगा। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट अपील करते हुए सीएम बोले कि योगेश्वर ने पहलवानी के जरिए जो मेडल जीते हैं वो पूरे देश के लिए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि बड़ौदा का उपचुनाव विकास के नाम पर होगा और जनता बीजेपी को विकास के मुद्दे पर अपना समर्थन दे रही है। दुर्भाग्य से ये जो कांग्रेस पार्टी का शासन देश के आजाद होने के बाद इतने लंबे समय तक चला, उन्होंने भी समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों की राह पर चल करके तोड़ने का काम किया और जातिगत फूट डालने का काम किया। हम लोग इन चीजों से ऊपर हैं। हर व्यक्ति का अपना गुण होता है, चरित्र होता है, उसकी अपनी एक प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा के नाते से व्यक्ति आगे बढ़े, गुणों के नाते से आगे बढ़े, ये हमारी विचारधारा है। ये जो चुनाव की वेला है, आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। स्वाभाविक है, जब चुनाव होता तो आमने सामने कोई ना कोई तो होता ही है। आज चुनाव सिर्फ दो ही प्रत्याशियों के बीच में है, दो ही प्रकार के दलों में यह बट गया है, एक तरफ गठबंधन और एक तरफ कांग्रेस। हम कुछ नहीं कहते, कोई और प्रकार की बात नहीं, केवल आप दोनों प्रत्याशियों का तुलना कर लो। आप जब तुलना करेंगे तो एक तरफ हमारा प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर, जिस दिन इनको मेडल मिले थे हर भारतीय का सिर ऊंचा हुआ था, छाती चौड़ी हुई थी। ये किसी जाति पाति के प्रतीक बनकर के नहीं आए थे, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया था, विदेशों के अंग्रेजों की धरती के ऊपर जाकर के और मेडल जीता था।